हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हमें टेम्पलेट कैसे बनाना चाहिए, हम पेज नेविगेशन कैसे करते हैं, हम सिक्योरिटी कैसे यूज करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक कवर होगा वो टॉपिक रहेगा हमारा जीनी। कई लोग सोच रहे होंगे जीनी क्या चीज़ है। तो जीनी बेसिकली वो ऑब्जेक्ट है जो हमारे सिस्टम को बनाने के लिए, हमारे स्काडा को बनाने के लिए हमें बड़ा इजी कर देता है। आप प्लांट में जब भी काम करेंगे तो बड़े बड़े प्लांटों में बहुत सारे पंप, बहुत सारे मोटर, बहुत सारे वॉल्व यूज होते हैं। अगर आप इंडिविजुअली एक एक पंप, एक एक मोटर को बनाएंगे, उनके पॉपअप्स बनाएंगे कि उससे एसोसिएटेड कि हमें कब स्टार्ट स्टॉप कराना है, पॉपअप हम दिखाएं उसमें, उसके कलर चेंजेस हम करते रहे, तो एक काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब रहता है। और उसी में अगर आपके क्लाइंट आपको ये बोल दे, आपने सपोज ऑन का कलर ग्रीन किया और ऑफ का कलर, स्टॉप का कलर रेड किया, कस्टमर आते बोल दे नहीं नहीं ये कलर इंटरचेंज कर दो, ये पसंद। तो उस केस में अगर आप इंडिविजुअली पंप या मोटर को जाके चेंज करने जाएंगे, सब चार पांच मोटर को आप इंडिविजुअली कर सकते हैं। अगर वहीं पे 50-100 मोटर हो गए फिर आप क्या करोगे इसको? आप इंडिविजुअली सबको करोगे, आपका टाइम कितना जाएगा? किसी ने बोल दिया नहीं मेरे को एक इसमें कमांड और बीच में ऐड ऑन करानी है या पॉपअप में, या एक कमांड हटानी है, इंडिविजुअली पॉपअप पे सारी चीज करना, वो एक टाइम टेकिंग जॉब होगा। तो जीनी उस चीज को काफी आसान कर देगा आपके लिए। वो कैसे करना है, सिंबल कैसे बनाने हैं कुछ हमारे अकॉर्डिंग, तो उसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे, न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद हम, अगर हमें कोई नया सिंबल बनाना है वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। एक बार मैं वो बता दूँ आपको नया सिंबल, क्योंकि हम जीनी में एक्चुअली अपने सिंबल ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंबल को समझ लें। सिंबल पे जाके आप सिंबल को क्लिक करेंगे, कोई नया सिंबल बनाना है आपने, मान लीजिए एक नया लिया, और यहाँ पे मैं एक मोटर ले लेता हूँ। मोटर का कलर मैं रेड ले लेता हूँ। को करके मैंने अभी एक मोटर का कलर, मोटर को मैंने सेव करा दिया ग्लोबल में ऑरेंज, ऑरेंज मोटर नाम से ग्लोबल में साइटेड ट्रेनिंग में सेव कर दिया, ठीक है। अब लेकिन ऑरेंज मोटर करा दिया, लेकिन ये तो रेड है, तो मेरे को क्या करना है, मैंने कन्वर्ट टू बिट मैप किया, स्वैप कलर किया, ऑरेंज ऑरेंज हो गया, सेव, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी में मैं इसी जीनी में कुछ और भी लगाना चाहता हूँ सिंबल में, तो वो भी मैं यहाँ पे अपना एक नया, यहाँ पे एक नया सिंबल कुछ बनाना है, कुछ दो तीन आप और पंप मोटर या टैंक कुछ भी बनाना चाहें वो सिंबल आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। वो प्रोजेक्ट आप कलर चेंज कर सकते हैं, या कुछ और बनाना है आप इसी के साथ, कुछ और एसोसिएट कराना चाहते हो, तो आप मान लीजिए यही लगाना चाहते हैं इसके साथ, इस तरीके का कुछ। नहीं है तो यही मोटर में इस तरीके से करना चाहता हूँ, लाइन आके मिरर हॉरिजॉन्टली करिए, दो मोटर हो गए जो आपस में जोड़ दिए, अपने हिसाब से कुछ भी बना। अभी आपका एक सिंबल हो गया जो आपके प्रोजेक्ट में काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम इसको इतना ही बना देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो आपने सिंबल तो देख लिया कैसे बनाना है, अब जीनी के लिए कैसे करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जीनी के लिए आके हमने क्लिक किया, मल्टी स्टेट में जीनी ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें
स्टेटस सिंबल दिखाना है। यहाँ पे आप चाहे डिजिटल टैग लेंगे तो इंडिविजुअली आपको 4-5 टैग लेने पड़ेंगे, और अगर आप इसी को इंटीजर टैग लेते हैं तो सिंगल टैग में भी 1, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर के हिसाब से आप उसकी वैल्यू चेंज करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर टैग ले लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं मोटर ले लेता हूँ, मोटर बेस। सबसे पहले स्टॉप, स्टॉप का कलर रेड, ये हमारा हमेशा से फंडा रहा है, मोटर जब स्टॉप रहेगी तो रेड कलर, रनिंग रहेगी तो ग्रीन कलर। फिर अब कमांड जा रही है मोटर को और रनिंग का फीडबैक नहीं आ रहा तो ग्रे कलर डाल दिया। अगर मोटर ट्रिप हो गई तो ब्लिंकिंग करवानी है, ब्लिंकिंग करवा दो। और अगर मेरा मोटर का कुछ और स्टेटस मुझे दिखाना है, अब आप ये कहोगे जो मैंने सिंबल बनाया है वो कहाँ से आएगा, वो मैंने ग्लोबल ऑरेंज आ गया। अब इसमें देखिए ए बी ये आया है, ये बीच बीच में मैंने ब्लैंक छोड़े। ए बी मीनिंग क्या, अगर आप डिजिटल बनाते हैं कोई कंडीशन बनाते सपोज यहाँ ट्रिप का स्टेटस है, यहाँ रनिंग का, अल्टीमेटली दोनों एक साथ कभी आना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने सपोज वायरिंग गलत कर दी, दोनों का सिग्नल एक साथ आ गया तो ए बी वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई इस केस में, क्योंकि इंटीजर केस में तो नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, लेकिन डिजिटल तो इंडिविजुअली है, वो फील्ड में वायरिंग की वजह से दोनों सेम आ गए। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई सिंबल लगा नहीं है तो आपका डिसअपियर हो जाएगा, मोटर दिखाई नहीं देगा। तो आपको अगर दो कंडीशन, कई बार ऐसी होती है, सपोज मैं यहाँ पे डाल दूँ स्टेटस 1 = 1 बट लेस देन 2 एंड लेस देन 2 हो गया तो ठीक है, यहाँ पे स्टेटस 2 और लेस देन 2 इक्वल्स टू और लेस देन 2, तो यानी अगर 1 आ रहा है तो दोनों कंडीशन सेम टाइम पे सेटिस्फाइड हो गई, यानी ए बी मेरी सेम हो गई। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला तो 1 के केस में अल्टीमेटली ये मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा ए और बी दोनों सेटिस्फाइड हो रहा होगा उस कंडीशन, तो मेरा सिंबल ही गायब हो जाएगा। तो इसे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भी अपना सिंबल डिफाइन आपको करना पड़ेगा। तो एक तो आपको ये कलर सिंबल है मैंने कैसे चेंज किया वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे आप एडिट करो इस पर, ठीक है ना, जैसे आप कोई मोटर लगा रहे हो ना, यहाँ जब आप यहाँ लगाने जाते हो सपोज मैंने ये लिया, ये किया, यहाँ पे आप एडिट यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ एडिट करने के बाद यहाँ पे सेव एज करा दो, जब सेव एज कराओगे तो ये आप सिंबल ही सेव करा, यहाँ पे भी आके आप अपने हिसाब से जो नाम रखना चाहो वो, इसलिए कहीं वही ओल्ड सिस्टम है उसी में ना हो जाए। पूरा ही बंद हो गया, कोई नहीं, जीनी फिर से मैं बना देता हूँ, मल्टी स्टेट ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 पहले स्टॉप है, अब
रनिंग का कंडीशन देखनी है। मल्टी स्टेट तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका था, मैंने पहले बताया था ये सब कैसे यूज करना है। रनिंग का ये हो गया, रनिंग के बाद एम्बर कलर एक ले लिया, बी में, सी में, ग्रे ले लिया, डी में मैंने ट्रिप का ले लिया। ये जिसमें ये कलर आ रहा है ना, रेड कलर ऑटो मार्क, यानी ये आपका ब्लिंकिंग होती है, ठीक है। यहाँ तो स्टेटस आ गया, अब एक्चुअल क्या आ गया, मैंने सेव कराया, अपडेट किया, MTR2 नाम से मैंने बना दिया, ठीक है। पहले आपको ये किया, अब यहाँ पे जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे वो सेव हो गया। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे यहाँ पे इस टूल बार पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज में, वो आप क्लिक करेंगे, MTR2 नाम से मिला, आपने इसे सिलेक्ट किया और ओके मार दिया। जैसे ही ओके मांगेंगे ये एक टैग मांगेगा, हम वो टैग हमने ये बनाया था लेके कॉपी करके मैं इसमें लगा देता हूँ, ठीक है। अभी आपको जहाँ लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अब आप सोचिए यही मोटर आपके 10 जगह यूज हो रही है, अचानक से किसी ने बोल दिया इसका कलर चेंज, तो आपको केवल जीनी में जाके उसका वहीं पे सिस्टम चेंज कर देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे कंपाइल कर दे रहा हूँ, बस की वैल्यू एक बार मैं आपको पहले इसका स्टेटस चेंज करके दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट रन करा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए अभी ये 2 में ऑरेंज है, मैं इसे पहले 0 करता हूँ, रेड हुआ, 1 ग्रीन, 2 ऑरेंज, 3 ग्रे, 4 ब्लिंकिंग। तो ये आपका जीनी का स्टेटस दिखने लगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये मैं मोटर का तो स्टेटस आ गया, अब इसी में किसी ने आके मुझसे कल को बोल दिया नहीं मेरे को तो इसका कलर चाहिए नहीं, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे इसे ग्रीन करना है और मुझे इसे रेड करना है, मुझे इसे ग्रे करना है, इसे ग्रे कर, इसे मैं येलो ब्लिंकिंग में नहीं दिखाना है, येलो कर दिया, इसे ग्रे करना है। सारे कलर मैंने यहीं से बैठे बैठे 2 मिनट में चेंज कर दिया। अब ये तो रही हमारे कलर चेंज, अब इसी के बाद हम ये चाहते हैं इसका पॉपअप भी मेरा खुले, हम वहीं से कमांड दें, वो कैसे होगा, आप इनपुट पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एस पॉपअप हम डालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डबल इन्वर्टेड को हम लगाएंगे और हमें जो इसके साथ एक पॉपअप जोड़ना है।
उसका नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं मोड टू नाम से, ठीक है। फिर हम कॉमा लगा देते हैं। अब हमें इस पॉपअप का एक नाम भी देना होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डब एक परसेंटेज, परसेंटेज ये जी नहीं है तो इसमें परसेंटेज का कहानी चलेगी। फिर सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, टाइटल यानी जो पॉपअप का नाम देना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर परसेंटेज स्टार्ट की कमांड देनी है आपको, डबल इन्वर्टेड, ये हो गया स्टार्ट कमांड, कॉमा, स्टॉप। फिर इसके बाद लगा देंगे इसमें स्टेटस, स्टार्ट, ये डिजिटल हो गया स्टार्ट कमांड, पुश बटन से स्टार्ट स्टेटस ये मैंने बना दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको ये डालना है, इसको एक वो मेरे को एक इसका सुपर जीनी एक्चुअली ओपन करना था, क्योंकि ये बना बनाया है, मैं इसको जस्ट कॉपी कर ले रहा हूँ ताकि कुछ तो हमारा टाइम्स सेव हो। फाइल पे यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, सुपर जीनी पे क्लिक किया, पेज प्रॉपर्टी पे आके मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। ये तो एक नॉर्मल पेज आपको, ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपको इंडिविजुअली खुद भी आप बना सकते, जैसे बनाना है ना वो आप सारा चीज खुद कर सकते हो, पेज का साइज बड़ा छोटा करना है वो आप कर सकते हो। सबसे पहले अगर जो मैंने विंडो टाइटल बार लिखा है वो कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए सुपर जीनी में क्या होता है, हमें क्वेश्चन मार्क करके हम लिखते हैं। सबसे पहले है हमारा जो इस सुपर जीनी के नाम के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन था टाइटल, टाइटल का मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू हम डालने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग स्पेस देके वन और स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ स्ट्रिंग ये है डिस्प्ले वैल्यू, आपको ये करना है, यहाँ पे आपका टाइटल लिख के आ जाएगा। फिर ये ऑपरेट ऐसे ही मैंने लिख दिया है कि ऑपरेट का सेक्शन है, मेरे को कोई कमांड देनी है तो हो गया। फिर मैंने दो पुश बटन बनाए हैं, वो पुश बटन में मैंने एक फिलिंग की प्रॉपर्टी दी है सेकेंड नंबर टैग से, सेकेंड नंबर टैग मेरा STT कमांड है, ठीक है। इनपुट में मैंने इसे एक पल्स टाइप का बनाया कि जब तक आप प्रेस करोगे वन होगा, छोड़ दोगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्सेस मैंने दे दिया है जो सिक्योरिटी के लिए कि कोई यूज ऑपरेटर चला सके, वन हो गया, ठीक है। अगर हम और स्टॉप में भी इसी तरीके से STT स्टार्ट हो गया, STP स्टॉप के नाम से किया था मैंने, तो तीसरा नंबर स्टॉप का था, पहला टाइटल, दूसरा स्टार्ट, तीसरा स्टॉप, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टाइटल था, तो टाइटल का मैंने स्ट्रिंग वन आपको बताई दिया, दूसरा STT है स्टार्ट का था, तो तीसरा STP है, तो तीसरा इसलिए लिखा है यहाँ पे, और इसे वन कर दिया यहाँ पे। तो कलर इसका आप ग्रीन रेड जब भी प्रेस हो तो क्या दिखाना चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं।
और तीसरा है, और 1 2 3 और फोर्थ नंबर है स्टेटस। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे करते हैं, और इसका पहले ये 3 आ गया, इसका कलर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते। ठीक है, अब इसकी मान लीजिए स्टॉप पे तो मैंने इसका परमिशन दे दी, स्टार्ट पे मैंने एडमिन की परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, तो इसकी फीलिंग में जब भी होगा तो रेड कलर। ठीक है, अब स्टेटस से एक स्टेटस की जो चीज़ें स्टार्ट स्टॉप पे कोई उनका फीडबैक क्या है। स्टार्ट का फीडबैक, स्टार्ट हमारा 1 नंबर पे मैंने ले लिया, ग्रीन होगा। इसको मैंने 2 नंबर पे ले लिया, जब 2 आएगा तो ये ग्रीन होगा, जब 3 लिखेंगे तो ये ग्रीन होगा, जब 4 लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, जब 0 लिखेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये तो सारे सिंबल आपने यहाँ से उठाए, यहाँ छोड़ दिया। ठीक है ना, ये ले लिया, ये ले लिया, जो भी लेना। और जैसे वो आ गया तो अपने आप इसके ऊपर अपने इस तरीके से ऑन ऑफ सिंबल लगा दिया। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मल ये स्क्रीन बनाई जाती है, इसमें कुछ ऐसा खास है होता नहीं। फिर यहाँ पे आके विन फ्री का मतलब जब आपको ये बंद करना है, जब आपको ये पॉपअप बंद करना है, यहाँ पे आप सिंबल कुछ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं ये ही लगाना है। आप यहाँ पे आओगे, सेट का ऑप्शन आया, आप यहाँ से कहीं से भी कुछ भी ले लो। इमेजेस में आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्रॉस कहाँ मिलता है या और कौन सी घड़ी आप कहाँ से कैसे ले सकते हो, आपको कुछ भी लगाना है। वो आप आइकन्स में यहाँ पे ढूंढ सकते कि क्रॉस कहाँ मिलता है, नहीं है तो आपने वो इंटरनेट से भी डाउनलोड करके आप इसमें इंपोर्ट करा सकते हो। वैसे भी नहीं करना है आपको, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिंपली एक बटन है। इस तरीके से आपने बटन लिया ना, बटन का दिए प्रॉपर्टी आ जाती है, तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसको फिर हम फाइल पे जाके सेव एज कर देते हैं। सेव एज करने के बाद मैंने इसका नाम रखा था नोट टू, मैंने कर दिया ऐसे, ओके। ओके करने के बाद अभी काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। ये सुपर जीनी आपका एक पॉपअप खुल गया, जो हर किसी में आपका कल को कोई एक ऐड ऑन करने बोलता है कि एक कमांड और ऐड ऑन करना। आपने यहाँ आके केवल पेज प्रॉपर्टी पे जाना है, इसका साइज बढ़ाना घटाना है, इसको 200 कर दिया। ठीक है, ये देख बढ़ गया साइज, 200 हो गया, इसका हाइट बढ़ा दी। एक और लेना है बटन, वो आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया, वो लगा दिया। एक और बटन एक्स्ट्रा आपने यहाँ लगा दिया, इसका आपने नाम कुछ दे दिया, जो भी हो रीसेट कर दिया। अल्टीमेटली कोई स्टेटस सिंबल लगाना है, ऐड कराना है, हटाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सेव करने का अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं। अभी जीनी में आप वापस से जाएंगे, जीनी में मोड 2 को किया और एडिट पे आके आप अटैच सुपर जीनी करेंगे। अटैच सुपर जीनी पे आने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपका मोड 2 बनाया, इसको आपने ओके किया। और नाउ अब आपकी जीनी की प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आके अपडेट पेज इन, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ऐड ऑन हो गई। अब हम अपना पेज खोल लेंगे। इवन वाला हमारा पेज है, देखिए अब ग्रीन कलर आ गया, पहले रेड आ रहा था। और यहाँ पे ये कुछ गलत हुआ, एक
पे आएंगे ये एक्चुअली जो है ये मेरे को यहाँ पे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर सिंगल कॉमा ऐसे यहाँ पे सबसे पहले सिंगल कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ये ध्यान रखिएगा। यहाँ स्ट्रिंग में हमेशा तीन कॉमे होते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर सिंगल और एंडिंग एंड पे सबसे पहले सिंगल फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसको करने का जब अप्लाई करके ओके कर देंगे सेव करके अपडेट पेज। अब आप आके पेज ओपन करेंगे ओके आप इस जीनी को क्लिक करेंगे। देखिए आप सही आ गया। टाइटल मैं दे देता हूँ मोटर जीन, ठीक कुछ भी नाम आप देख सकते हो। स्टार्ट कुछ बटन देना है तो स्टार्ट टैग ये लगा दिया, स्टॉप का टैग ये लगा दिया। अब आप ऐसे 50 मोटर बनाना, एक नहीं 50 बनाना कोई नहीं। अब सब में आके आपको केवल यहाँ पे सबके टैग चेंज करने पड़ेंगे। अभी तो मतलब ये मैंने केवल पापा को नाम कर दिया था, बाकी सबके अगर सबके स्टार्ट स्टॉप की कमांड अलग होगी, सबका स्टेटस सिंबल अलग होगा। अगर आपने सबका अलग अलग डिजिटल सिग्नल लिए हैं जैसे रनिंग ट्रिप ऐसे करके सिग्नल लिए हुए हैं, मैंने स्टेटस लिया है अपने अलग अलग किया है तो सबके अलग अलग करके आप डाल देंगे। हो गया इसको कर दिया और कंपाइल। कंपाइल करने के बाद ये तो हमारा नॉर्मल पेज है, लॉगिन होगा नहीं, ऐसे हम एडमिन से लॉगिन कर लेते हैं। आ गए सारे। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक ठीक है। अब आप यहाँ पे 4 आ रहा है, 1 2 3 4। पहले स्टार्ट किया रेड कलर प्रेस हो गया, स्टॉप किया ये हो गया, जो आपने नाम लिया था मोटो जीनी 1 वो यहाँ आ गया। अब आपने 1 किया सबसे पहले स्टार्ट फीडबैक ग्रीन हो गया पॉप अप में देखिए, फिर 2 करेंगे स्टॉप फीडबैक हो गया, फिर आपने 3 किया रिमोट हो गया, फिर आपने 4 किया लोकल हो गया, फिर आपने 0 किया रेडी हो गया। यहाँ पे अब आप देखिए कलर भी आपके अब पहले रेड आ रहा था, पहले स्टार्टिंग में पहले रेड आता था फिर ग्रीन होता था, अब यहाँ पे 1 किया तो रेड हुआ, 2 किया तो ऑरेंज हो गया, 3 किया तो देखिए अब पहले ब्लिंकिंग येलो होता था, अब येलो मैंने सेम कर एक ही जगह हमने चेंज किया और वो हर जगह चेंज होता चला गया। इसे क्लिक किया बंद हो गया। अब आप इसे क्लिक करोगे देखिए मोटो जीनी 2 नाम आ गया। तो एक ही पॉप एक ही चीज से आपने कई जगह इसको चेंज कर अपने ऑनलाइन ही ये कर दिया, आपका बैकअप चल ही रहा था। अब इसी में सिक्योरिटी वाला पॉइंट भी हमारा आ जाता था, इसमें ओपी आर 1 इसे कर देता हूँ। अब आप ये देखेंगे मैंने क्लिक किया स्टार्ट दे रहा हूँ, कोई कलर प्रेस हो रहा है नहीं हो रहा, स्टॉप किया हो गया, क्योंकि स्टार्ट की कमांड ऑपरेटर को नहीं है, ऑपरेटर स्टार्ट नहीं कर सकता, ऑपरेटर के स्टॉप कर सकता है, स्टॉप कर दिया स्टार्ट देना स्टार्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं इसे एडमिन से लॉगिन कर देता हूँ, मैंने इसीलिए लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं सिक्योरिटी के थोड़ा सा और डिटेलिंग में आपको चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्रेस हो गया। अब आपको एक चीज़ ये ऊपर नाम दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हो यार कई बार कस्टमर बोलेगा यार ये कैसे जाएगा, इसका भी तरीका है। आप यहाँ पे आएंगे जीनी ओपन करते हैं,
वर्किंग टाइटल अगर आप यहाँ पे चाहते हो कोई टाइटल का नाम लेना तो आप यहाँ भी डाल सकते हो वैसे, ठीक है। यहाँ अगर यहाँ पे वो टाइटल का नाम जो अभी मेरे नीचे आ रहा है नाम वो आप लेना चाहते हो ऊपर, तो आप यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया, देखिए ऊपर नाम अपने आप का नाम गायब हो गया। अब इसी में अगर आप चाहो कि नहीं ये जो नाम मेरा नीचे आ रहा है वो मेरा नाम ऊपर आना चाहिए, तो वहां से आपको हटाना पड़ेगा, आपकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। इवन खोला ऊपर आ गया, और एक जगह चेंज करने से ही नहीं, एक जगह चेंज किया इसमें भी आ गया। मतलब आपने 100 पंप लगाए, 100 में एक साथ कलर चेंज हो गया, एक साथ उसके पॉपअप चेंज हो गए, एक साथ उसके नाम चेंज हो गए। बस टैगिंग अगर आपकी पूरी प्रॉपरली है तो आपका सारा काम बहुत प्रॉपर वे में बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आज हमने इसको बहुत डिटेल में समझा है, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा मैंने बोला था, अब हम अलार्म कैसे क्रिएट करते हैं, अलार्म कैसे बनाते हैं, ट्रेंड्स कैसे बनाते हैं, ट्रेंड का कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे अभी फिनिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।